अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। नमस्ते। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें, यानी पैंजो शहर है पैंजो गालू में, मां भावना राजपाल तमा सबनी दर्शकन जो हार्दिक स्वागत कयां थी। पेश आहे कुछ ताज़ा तरीन जान असंजे अज जे सिंधी एपिसोड जी। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। नवरात्रा चालू आहिन, हर साल वांगर हिन साल भी नगर में अलग अलग जगहन ते माता रानी जी पूजा ए गरबा रास खेडी वने थी। आज या ठिकाणी गेल्या 12 वर्षापासून माननीय आमदार गणपतशेर गायकवाड महिला मंडळ मित्र मंडळ तर्फे गरबा आयोजित केला जातो आणि या ठिकाणी भरपूर प्रमाणात गरबा रशी खेळायला येत असतात। आज 12 वर्षापर्यंत या मंडळात कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही आणि या ठिकाणी महिला मंडळ खूप चांगल्या प्रकारे सहकार्य करतं आणि इथं जे खेळायला येतात गरबा रशी जे खेळायला जात मुली महिला त्यांच्यावर सातत्याने लक्ष ठेवत असतात आणि या मंडळाच्या माध्यमातून सांस्कृतिक कार्यक्रम व कला क्रीडा असे काही प्रकारचे खेळ राबवले जातात आणि तसंच या शहरवासियांना माझ्याकडून दुर्गाष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा येणाऱ्या सर्व रसिकांना माझ्याकडून हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। महापौर पंचम कालाणी महानगर पालिका में एक पत्रकार सभा जो आयोजन कयो। इन सभा में कहड़न कहड़न विषयन ते चर्चा कई वही अचो त दिसू था। आज से ठीक 10 दिन पहले हम लोगों ने एक मीडिया में स्टेटमेंट दिया था जिसमें हम लोगों ने ये जाहिर किया था कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने उनको हम लोगों ने निवेदन दिया था कि ये जो हमारे शहर के जो बर्निंग इश्यूज़ थे जैसे कब्रिस्तान हुए, कल्याण अमरनाथ रोड हुआ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ पे है नहीं, हमारे यूथ के लिए बच्चों के लिए कोई प्लेग्राउंड है नहीं जहाँ पे वो खेल कूद सके, तो मुख्यमंत्री साहब ने रविंद्र चौहान साहब जी को आदेश दिया, उन्होंने उनको हमारे साथ दिए और बोले आप कलेक्टर साहब के पास जाके मीटिंग लीजिए। अकॉर्डिंगली उन्होंने मीटिंग लिया कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब, हम लोगों ने हमारा चार्ज लेने से पहले कलेक्टर साहब के पास गए थे कि अगर आप ये हमारे बर्निंग इश्यूज़ है, अगर आप हमको ये इमीडिएटली रिलीफ देने को कमिट कर रहे हैं तो हम जाके चार्ज लें, बिकॉज चार्ज लेते ही हमको जवाब देना है लोगों को। तो उन्होंने हमारे सामने हमारे SDO साहब गिरासे साहब को उन्होंने फ़ोन किया, उनसे मुलाकात के बाद हम सीधा गिरासे साहब के पास गए। उन्होंने हमें कमिट किया कि हम एक हफ्ते के अंदर हम आपको सनद इशू करके देंगे। अकॉर्डिंगली जैसे हमने बोला था कि भाई 10 दिन, आज 10वां दिन है, हम लोगों ने जो वादा किया था, बीजेपी पार्टी एक काम करने वाली पार्टी है, जो कमिटमेंट करते हैं वो हम पूरा करते हैं। अकॉर्डिंगली आज हम लोगों ने मॉर्निंग में गिरासे साहब को फ़ोन किया कि साहब आज 10वां दिन है, आपने जो कमिट किया था उन्होंने,
तो उन्होंने बोला मेरे पास रेडी है, आप आ सकते हैं। हम लोग गए उनसे जाके सनद के, एक सनद ऑलरेडी दो दिन पहले आ चुका था आईडीआई कंपनी का, जो हमारे मुस्लिम भाइयों को हम लोगों ने वहाँ पे कब्रिस्तान के रूप में दिया है। बाकी के तीन सनद आज आप लोगों को दिखाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। ये तीनों, ये तो अभी एक शुरुआत है हमारे डेवलपमेंट की। ऐसे आए दिन हम आपको कोई ना कोई शहर के डेवलपमेंट के ऊपर बड़े बड़े न्यूज़ देते रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसपे मुझे नहीं लगता है कि आज तक किसी का भी नज़र गया है। मैं थोड़े में वो शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट पहले कॉरपोरेशन के पास नहीं हुआ करता था। उस वक्त MJP डिपार्टमेंट था जो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड था, तो वाटर सप्लाई पहले उनका जवाबदारी हुआ करता था। बाद में कॉरपोरेशन के पास जब वाटर डिपार्टमेंट आ गया, लेकिन उनके जो प्रॉपर्टीज़ थे जो आज भी हमारे शहर के बीचों बीच प्राइम लोकेशन पे मौजूद हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पे आज तक कभी किसी का नज़र गया नहीं है। जहाँ हम लोगों का नज़र गया है, अभी हम लोगों का ये आज पूरा होने के बाद अभी हमारा नेक्स्ट मूव ये रहेगा कि MJP के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जिसका सनद अभी तक हमारे नाम पर नहीं है, अभी हम वो प्रॉपर्टीज़ जैसे सेंट्रल पुलिस स्टेशन के ऑपोजिट में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ बैरक्स बने हुए हैं, वो पूरा बंद है, उधर कोई भी आता जाता नहीं है। बहुत बड़ा एरिया है वो। एक हमारे जसलोक स्कूल के बाजू में जो गली जाती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग बना हुआ है जो आज के टाइम पे बंद है। इस तरह के प्रॉपर्टीज़ हम अभी हमारे कॉरपोरेशन के नाम पे लेके और वहाँ पे हम पब्लिक के लिए कोई ना कोई सर्विसेज का प्रोविजन रखेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। जॾहिं बि का आपदा अचे त उन खां पाण खे कीअं बचाइजे, इन जे लाइ महानगर पालिका जे आयुक्त मनपा में हिकु मॉक ड्रिल रखी ऐं इन आपदा खां पाण खे बचाइण लाइ जन जागृतीअ लाइ हिकु कार्यक्रम रखियो। उल्हासनगर महानगर पालिका व तहसील कार्यालयाच्या वतीने एक संयुक्तिक कार्यक्रम चं नियोजन करण्यात आलेलं होतं। तर आपत्ती व्यवस्थापनाबद्दल जनजागृती करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापना, एखादी आपत्ती आल्यानंतर त्याचं निराकरण कशा पद्धतीने करायचं याबद्दलचा हा कार्यक्रम होता। आणि उल्हासनगर शहरवासियांना, महानगरपालिकेच्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्याची जाणीव व्हावी, तर त्या दृष्टिकोनातून आज हा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केला होता। आणि त्याचं आपत्ती व्यवस्थापन आमचं अग्निशामक दल कसं करतं याचं प्रात्यक्षिक त्या ठिकाणी करण्यात आलं आणि त्यानंतर जनजागृती व्हावी या दृष्टिकोनातून आम्ही आज ठाण्याचं एक जनजागृती करणारं पथक बोलवलं होतं। त्या पथकाच्या मार्फत वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपत्ती कशा येऊ शकतात, मग तो भूकंप असेल की तो महापूर आलेला असेल किंवा तो एक म्हणजे अजून कुठं आग लागलेली असेल, अशा पद्धतीनं वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या आपत्ती येऊ शकतात। त्यामुळं कोणती आपत्ती आल्यानंतर काय काळजी घेतली पाहिजे यासाठी जनजागृती त्यांच्या मार्फत करण्यात आलेली आहे। वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये, वेगवेगळ्या शाळेमध्ये, महानगरपालिकेमध्ये आणि इतर ठिकाणी देखील त्यांचं कार्यक्रम वेळोवेळी घेतले जातात आणि आज पण ते कार्यक्रम झालेले आहेत। तर उद्देश एवढाच होता की जनजागृती करून उरीच्याला एखादी आपत्ती आली तर आपल्या लोकांना माहिती असावी की आपण काय केलं पाहिजे, याच्यासाठी हे कार्यक्रम आम्ही आज घडवून आणलेला आहे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्हासनगर बे में सीरू चौंक ते मोती माला ज्वेलर्स में एक शख्स पान ग्राहक थी आयो ऐं उतां एक ब्रेसलेट चोरी करे वियो। बिन ॾींहनि खां पियो उन दुकानदार उन खे पकड़ियो ऐं उन शख्स जे ख़िलाफ़ शिकायत भी दर्ज कराई वई हुई। अचो त ॾिसूं था सॼो मामलो। जी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से जो कि वीडियो वायरल हुआ है और उस पर जो चोरी की घटना दिखाई दे रही है, आपके इधर पे घटी है तो किस प्रकार से घटी थी और इस पर किस प्रकार का एक्शन अब तक लिया गया और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस पर? हाँ, ऐसा है कि जैसे कस्टमर एंट्री करते हैं, हम लोग समझते हैं कस्टमर है, सब दिखा के आराम से हम लोग उनको सामान सब डिस्प्ले कर देते हैं, पता नहीं कि ये चोर है क्या है। बाद में जब उसने सामान जिस तरह से चोरी किया, बहुत शातिर खिलाड़ी था, उसी तरह से चोरी करके सामान लेकर गया, उस समय पता नहीं चला हमको। जब सामान हम लोगों ने दूसरे दिन बुधवार के दिन सामान स्टॉक किया, स्टॉक के बाद पता चला कि इसमें एक ब्रेसलेट शॉर्ट हो रहा है,
कैमरा में हम लोग ढूंढने के चक्कर में पूरा दिन चला गया। थर्सडे को हमको पता चला कि ये कस्टमर ने हमारे दुकान से इस तरह से चोरी करी है। अच्छा, कितने कीमत का ब्रेसलेट था वो, उसकी शिकायत फिर आपने की तो क्या एक्शन लिया गया? एक्शन अच्छी तरह से लिया, आधे घंटे में FIR हो गई अपनी। पुलिस ने अच्छा सहयोग दिया हमको। वजन था उसका 18 ग्राम 690 कुछ वजन था, 50,000 का कुछ था। अच्छा, चोर को इसमें जो है जिसने ये चोरी की थी तो उसे गिरफ्तार किया गया, किस प्रकार से किया गया उसे? गिरफ्तार समय दो दिन के बाद मुझे किसी ने फ़ोन किया, वीडियो बहुत वायरल हो गई, आपकी तरफ से हुआ है या मीडिया की तरफ से हुआ है, तो बहुत लोगों का फ़ोन आने लगा। कोई बोला तो मुझे पहचानता रहूँ, कोई बोला मैं नहीं पहचानता हूँ, तो किसी ने बोला कि नेहरू चौक पे ये आदमी खड़ा है 11 बजे रात को। मैं भागा अकेला, वहाँ पर देखा तो खड़ा था, गोवा ड्राई फ्रूट के बीच में एक दुकान है वहाँ पर खड़ा था। कॉलर से पकड़ के दो तीन आदमी को बुलाया मैंने, पुलिस चौकी छोड़ के आया मैं खुद। लगातार जिस प्रकार से चोरी की घटनाएं बढ़ रही है शहर में, नागरिकों के साथ साथ व्यापारी भी कहीं ना कहीं दहशत में, तो क्या कहेंगे प्रशासन को इसके? प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और पेट्रोलिंग थोड़ा बढ़ाना चाहिए, लेकिन पुलिस का सहयोग हमको अच्छा मिला, अच्छी तरह से मिला। कौन से शॉप में चोरी हुई और कहाँ पर है आपका शॉप? मोतीमाला ज्वेलर्स, उल्लासनगर 2, सिरू चौक। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। शिवसेना अपंग सहाय सेना वारन महानगर पालिका डां एक मोर्चो कढ़ियो। हुननि जूं गुरू हुयूं त दिव्यांगन जे लाइ जेके योजनाऊं पास कई वयूं आहिनि उहे जल्द बि जल्द अमल में आंदी वञनि। उल्लास महापालिका आता मोर्चा काढला आहे, खूप मोर्चा आहे, शासनाचा महापालिकेचा विशेष उद्या मोर्चा आज काढला आहे। कारण 1977 सालापासून अपंग आरक्षण जी असतो तो महापालिका आत्तापर्यंत खर्च नाही केला, खर्च केला असेल तर 25 लाख रुपये खर्च केला, तो फक्त केवळ दिल्लीचा वापर, दिल्लीचा वापर सर्वसामान्य कापोर आयुक्त उपायुक्त कमी कमी नाही करतात। आजच्या पैशावरती तुम्ही टिकून चालता, पण आम्ही आज रस्त्यावर उतरतो। या शहरात हजारो कपड्या अनुकूलपणे हवा आहेत, ज्याने जे चायनीज मिळेल चायनीज दुकानं, पण आम्हाला एक साठी चपलीसाठी अर्ज घ्यायला मिळत नाही। आज हजारो लोकांचे विरोधाचे अर्ज प्रलंबित पडलेले आहेत, त्या सर्व मागण्या घेऊन आम्ही आज रस्त्यावर उतरतो। आज आपला हा जो ऋतू मोर्चा आहे या महापालिकेचा विषय आहे, एवढं महापालिका त्या दिव्यांगांना त्यांचा 3% निधी देऊ शकत नाही, सर्वेची बाब आहे। त्याकरता आज आम्ही आमच्या मागण्या महापाले आलो आहोत आणि आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। पैनल नंबर 8 में महावीर क्लिनिक का व्हाइट हाउस ताई एक पक्के सीमेंट रोड जो मुहूर्त कयो वियो। ही मुहूर्त कयो आमदार ज्योति कालाणी, महापौर पंचम कालाणी। ही सजो कार्य आमदार ज्योति कालाणी जे निधि मां थे रहो है। व्हाइट हाउस तक सीमेंट कंक्रीट रोड का उद्घाटन भाभी ज्योति कालाणी आमदार ने और महापौर पंचम कालाणी और यूथ आइकॉन ओमी कालाणी ने किया। ये जो सीमेंट कांक्रीट रोड है वो आमदार ज्योति कालाणी के निधि से किया जा रहा है और बहुत जल्द 1 महीने के अंदर इसका निर्माण पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। आज महावीर क्लिनिक से लेकर जुड़ेलाल स्कूल तक जो सीमेंट कांक्रीट रोड का आज उद्घाटन हुआ है, हमारे राजेश भद्रिया जी, भाभी ज्योति, पंचम कालाणी, ओमी कालाणी के हाथों से दर पे दुआ है कि ये रोड का काम जल्द से जल्द पूरा हो और ऐसे ही राजेश भद्रिया जी पूरी पब्लिक की जो भी डिमांड्स हैं वो इसी तरह फुलफिल करते रहें। जय जय भवानी, जय श्री शहनशाह। वी आर फाइनली हैप्पी दैट आवर रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। स्वामी हंस मुनि महाराज डिग्री कॉलेज में NSS यूनिट जे पारां ए लायंस क्लब ऑफ कल्याण वारन जी गडियल कोशिश सां एक ब्लड डोनेशन कैंप रखी वई। हलूं था इन खबर डां।
इस वक्त हम हैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के स्वामी हंस मुनि महाराज डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स उल्हासनगर चार में। हमारे साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं मौजूद है लायंस क्लब ऑफ कल्याण। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम भी हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर अनिल जो नेताजी जूनियर कॉलेज के हैं और प्लस प्राइमरी सेक्शन के प्रिंसिपल हैं। वाइस प्रिंसिपल सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आइए लायंस क्लब की जो टीम है इनसे बात करते हैं। मिस्टर झा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप लायंस क्लब ऑफ कल्याण के प्रेसिडेंट हैं, किस प्रकार से ये ब्लड डोनेशन कैंप आपको लगता है कि मदद कर पाएगा थैलेसीमिया पीड़ित जो लोग हैं उनकी, या कहाँ आप डोनेट कर पाएंगे इस ब्लड को? ये ब्लड डोनेशन जो कैंप है ये बेसिकली ऑल थैलेसीमिया पेशेंट्स जो हैं उनके लिए काम आता है। नॉट ओनली दिस बट कैंसर पेशेंट्स, अदर कैंसर पेशेंट्स के लिए भी बहुत काम आता है। एंड दैट इज़ अवर मोटो कि उन लोगों को फ्री ब्लड सप्लाई मिल सके या एट अ इकोनॉमिकल रेट मिल सके, तो इसलिए हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप में सपोर्ट करते हैं। मिस्टर आनंद, आप चेयरपर्सन हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आज यहाँ से कितनी बॉटल्स आप लेकर जाओगे ब्लड की? मेरा तो इच्छा था मैडम 100 बॉटल का, लेकिन आज मेरा इधर का जो ब्लड डोनेशन का जो देख के मुझे लग रहा है कम से कम 50 यूनिट मिलने चाहिए। और हमारे देखो 20 साल से मैं कंटिन्यू ब्लड डोनेशन कैंप में है, के एम हॉस्पिटल, टाटा, जे जे, साइन, सभी हॉस्पिटल के साथ में हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को आज आपको मालूम है बॉम्बे में एक दिन 1000 से 1200 बॉटल ब्लड चाहिए, किसी को पता नहीं है। और उसमें अपना कितना कलेक्ट होता है, अभी इधर 100 हो गया, इधर 50 हो गया, कम से कम आज 10 बैंक चालू है, रेलवे स्टेशन, कॉलेज, काफ़ी स्कूल, काफ़ी कंपनी। जब ये देखो ये ब्लड आज तक अपन कोई डुप्लीकेट बनाया नहीं है, एक ही ब्लड आइटम इसमें है जो इंसान से निकल के इंसान को दे सकते हैं। और एक यूनिट ब्लड से अपना जैसे जे जे महानगर, जे जे हॉस्पिटल, के एम हॉस्पिटल 3 यूनिट बनाते हैं, मतलब उसमें से हेमोग्लोबिन अलग, प्लाज्मा अलग, प्लेटलेट अलग करके एक बॉटल से 3 आदमी का जान बचा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सबका सहयोग चाहिए, सभी प्रिंसिपल लोग का, हॉस्पिटल, स्कूल का, बच्चों का, एनजीओ का, सभी का हमारे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आगे भी ये करते रहे। किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए ब्लड दे के मैं क्या करूँ, भले पैसे दे के भी ब्लड के लिए ब्लड ही चाहिए, भले प्राइवेट में अपन देवे, ब्लड के बिना पानी नहीं चलेगा, रेड जूस नहीं चलेगा, कुछ नहीं, ब्लड का ब्लड ही चाहिए इंसान का जान बचाने के लिए। आज हम सवेरे से 25 पॉइंट चालू हो गया मेरा, किसी को 6 यूनिट प्लाज्मा चाहिए, मैंने इधर सब जगह ढूंढा, किसने बोला 8000, कोई बोला 12000, कोई 10000, आज साहब ने भी अरेंजमेंट किया 6 यूनिट का जे जे महानगर में, उनको बोला भाई आज 2 ले लो, कल 2 ले लो, 3 ले लो, उनका जान बच जाएगा। इसी काम हमारा कंटिन्यू चालू रहेगा, सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि उल्हासनगर कल्याण, हम लायंस ऑफ कल्याण का मेंबर हो, आगे भी आपको सब साथ में रहेगा, एनी टाइम मुझे कॉल करे, हमारे से जो भी होता है हेल्प करेगा हर इंसान को। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है ब्लड डोनेशन का, कौन से लोग दे सकते हैं ब्लड डोनेशन के लिए? मैडम क्राइटेरिया एक ही है कि जिसका 18 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और वेट शुड बी अबव 50, और कोई भी डोनर फर्स्ट दे विल चेक एवरीथिंग, अगर वो एलिजिबल है तो ही ब्लड ले सकते हैं। और ये ब्लड जाने के बाद जिस ज़रूरतमंद, जैसा भी सर ने बोला कि थैलेसीमिया और बहुत से लोग हैं कि जिनको दिन ब दिन ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उनको ये ब्लड दिया जाता है। अजय विश्वजीत जी हैं हमारे साथ जे जे महानगर रक्त पेड़ी से, उन्होंने हमें बताया क्या क्राइटेरिया होता है अगर आपको ब्लड डोनेशन करना है। साथ ही हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम मौजूद हैं हमारी स्वामी हंसमुनि महाराज डिग्री कॉलेज के। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपको लगता है कि स्टूडेंट्स में उत्साह देखा गया आज ब्लड डोनेशन को लेकर? उत्साह तो मैं बोलूँगी एनएसएस के पूरे टीम ने बहुत मेहनत की है इस ब्लड डोनेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि मुझसे ज़्यादा आप एनएसएस कोऑर्डिनेटर जो अपने प्रोग्राम ऑफिसर हैं, निनाद सर हैं, प्रियंका मैडम हैं और अंजू वलेचा मैडम हैं, उनसे बात करेंगे तो ज़्यादा आपको इस चीज़ के लिए पता चलेगा कि कितने बच्चे एंथुजियास्टिक हैं और कितने बच्चों ने डोनेट किया है इस इवेंट के लिए। हमारे साथ हैं निनाद सर मौजूद हैं जो एनएसएस के एरिया कोऑर्डिनेटर हैं प्लस यहाँ के भी चेयरपर्सन हैं एनएसएस यूनिट के इस कॉलेज के। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली जैसे कि हम सबसे सुन रहे हैं कि ब्लड का रिप्लेसमेंट सिर्फ ब्लड ही है, उसके अलावा कुछ नहीं चलता, तो इसलिए हम ये ब्लड डोनेशन कैंप हर साल रखते हैं। हमारे एनएसएस का एक मैंडेटरी एक्टिविटी है और जो बच्चों में आज एंथुजियाज्म है वो काफ़ी ज़्यादा है। हर एक स्टूडेंट ब्लड डोनेट करने की कोशिश कर रहा है, किसी का वेट कम हो रहा है तो रिजेक्ट हो रहे हैं, हेमोग्लोबिन नहीं है तो रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है, उनको पता है कि ब्लड का इंपॉर्टेंस कितना है और ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ साथ बच्चों ने कुछ पोस्टर्स बनाए थे, वो पोस्टर डिस्प्ले किए, बाहर जाके बच्चे लोगों को इम्पॉर्टेंस समझा रहे हैं ब्लड डोनेशन का और वहाँ से भी कुछ डोनर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से अभी तक काफ़ी अच्छी तरह से ये कैंप चल रहा है, मैं उम्मीद करूँगा कि ख़त्म होते होते ये नंबर्स धीरे धीरे बढ़ेंगे। थैंक यू।
अनिल सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे शहर की जनता को ब्लड डोनेशन को लेकर? मैडम, हमारे कॉलेज के बच्चों ने खुशी से, उत्साह से यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है, ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ टीचिंग स्टाफ भी मौजूद है स्वामी हंसमुनि महाराज डिग्री कॉलेज का, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया हुआ है। उमेश सर हमारे साथ हैं, सर आज आपने ब्लड डोनेट किया है एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं मी आज रक्तदान के लिए एंड यू फील प्राउड अबाउट इट, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके? मैम, सबसे अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, सबसे श्रेष्ठ जो रक्तदान है उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है। अगर मेरे रक्तदान करने से अगर किसी एक की भी जान बच जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी का महसूस होगा। स्वामी हंसमुनि महाराज कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप से गडोगु थैलेसेमिया के मरीजन के लिए दत्री ऑर्गेनाइजेशन के पारा एक रजिस्ट्रेशन कैंप पिण रखी वही। अचो तो जानू था इन बारे में। इस वक्त हम हैं सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के स्वामी हंसमुनि महाराज डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड डोनेशन के साथ साथ यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन डेस्क लगाया गया है दत्री ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जहाँ पे ब्लड स्टेम सेल डोनर्स के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। क्या है ये ब्लड स्टेम सेल डोनर, आइए सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये, अगर हम बात करें ब्लड स्टेम सेल डोनेशन की, तो किस प्रकार का डोनेशन है? हमारे इंडिया में हर साल थैलेसीमिया ब्लड कैंसर के 10,000 जो न्यू बेबी बॉर्न्स बॉर्न हो रहे हैं, इसमें ये कि जितने भी ब्लड कैंसर थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं इनको हर हफ्ते हर 10 दिन या हर 15 दिन में ब्लड चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी में एक सेल होता है जो ब्लड को प्रोड्यूस और प्यूरीफाई करता है, वो उनका काम करना बंद कर देता है जिससे उनको ब्लड कैंसर थैलेसीमिया हो जाता है। सो हम हेल्दी पर्सन है तो हमारा स्टेम सेल काफ़ी अच्छा है, इसीलिए हम ब्लड डोनेट करते हैं, इसके लिए हमारा स्टेम सेल उस ब्लड को प्रोड्यूस कर पाता है। सो उन पेशेंट का काम नहीं करने की वजह से उनको ब्लड कैंसर होता है। सो यहाँ इसके दो वे हैं, अगर इन पेशेंट को अगर बचाने के लिए डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि अगर इनका हर 15 दिन में ब्लड चेंज किया जाए या तो फिर इनका स्टेम सेल चेंज कर दिया जाए। अगर स्टेम सेल हम चेंज करते हैं तो ये डीएनए के थ्रू चेंज होता है और डीएनए काफ़ी रेयरली मैच होता है, और इंडियन जेनेटिक इंडियन पर्सन ही इंडियन पर्सन को डोनेट कर सकता है, क्योंकि जेनेटिक रीज़न की वजह से ये मैच मिलना थोड़ा आसान होता है। तो इसमें ये है कि जैसी डीएनए सैंपल्स के लिए हम सलाइवा टेस्टिंग लेते हैं, जैसे हम सलाइवा ले गए और वो सलाइवा यूएस में हिस्टोजेनेटिक लैब है, उस हिस्टोजेनेटिक लैब में हम भेजते हैं और पूरा डीएनए रिपोर्ट नहीं, एक पैरामीटर्स होता है 10 पैरामीटर्स, वो रिपोर्ट हम निकालवाते हैं और हमारे जितने भी पेशेंट है जिन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो हम उनमें मैच देखते हैं कि कितने अगर इनका मैच है क्या नहीं। अगर मैच नहीं मिला तो हम वैसी ड्राइव्स कंडक्ट करते रहते हैं। अगर सपोज़ मैच मिलता है तो हम उस डोनर को कांटेक्ट करते हैं कि आपका मैच मिल गया है, आप प्लीज़ डोनेट कीजिए। एज अ वॉलेंट्री वो डोनेट करना चाहता है तो सबसे पहला उसका मास्टर हेल्थ चेकअप होता है, जो कि मुंबई में नानावटी हॉस्पिटल में होता है। मास्टर हेल्थ चेकअप में पूरा आपका एक्सरे, ईसीजी, अगर वो फिजिकली फिट है, डॉक्टर ने अप्रूवल दे दिया कि ये डोनेट कर सकता है तो ही वो डोनर डोनेट कर सकेगा। सेकेंड है कि सपोज़ अगर 5 तारीख को डोनेशन है तो 1 से 4 तारीख तक आपको एक GCSF का इंजेक्शन दिया जाएगा। वो इंजेक्शन काम ये करता है कि आपके जो हिप बोन के अंदर जो स्टेम सेल है वो आपके ब्लड में कन्वर्ट करता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है स्टेम सेल। फिर 5वें दिन आपके दोनों हाथों में नीडल पोक किया जाएगा और एक हाथ से ब्लड निकलेगा, एक पैराफिरल मशीन में जाएगा, मशीन स्टेम सेल को अलग करेगी, सेकेंड हैंड से ब्लड वापस आपके बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आपके बॉडी से ब्लड नहीं लिया जाएगा, आपके बॉडी से एक सेल लिया जाएगा और वो सेल तुरंत ही हम उस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं और उसकी लाइफ बच सकती है। इस वक्त कितने पेशेंट्स की लिस्ट है जो दत्री ऑर्गेनाइजेशन के पास है जिनको ज़रूरत है स्टेम सेल? दत्री ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस मिलिट्री मैम अभी 4 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड कर चुके हैं और मोर देन 1 लाख से उन लोगों का डीएनए मिलना बाकी, मिस मैच मिलना बाकी है, वो पेंडिंग में है, उनका मैच मिला नहीं है, इसीलिए अभी तक मोर देन 1 लाख लोग पेशेंट वेटिंग लिस्ट में। किस प्रकार की टेस्ट होती है यहाँ पे, हम कुछ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने सलाइवा टेस्ट के लिए कुछ रखा हुआ है, किस प्रकार की टेस्ट होती है? जो रजिस्ट्रेशन का एक इजी वे है, 2 फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसमें अपने बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देना होता है और सलाइवा टेस्टिंग के लिए एक स्टिक होती है, ये प्लास्टिक की स्टिक है, इसमें कॉटन लगा हुआ है, ये आपके अंदर के गालों को घिसा जाएगा, दिखाता हूँ पहले। इस तरीके से रफ किया जाता है और एनवेलप, और ये एनवेलप होता है, हम इस एनवेलप में इसे डाल देते हैं बस, और ये रजिस्टर्ड हो गया है, ये यूएस में हिस्टोजेनेटिक लैब है, वहाँ पर इसका डीएनए रिपोर्ट निकलेगा और विद इन 2 मंथ्स के बाद जितने भी डोनर्स ने रजिस्टर्ड किया है उन्हें सब उनका ये डीएनए रिपोर्ट्स उन्हें मेल कर दिया जाएगा,
इन फ्यूचर 60 एज के अंदर अगर मैच मिलता है तो हम उन्हें कॉन्टैक्ट करते हैं डोनेट करने के लिए। इस आपने बताया कि ये जो आप US कोई लैब है जहाँ पे भेजा जा रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी है इस टेस्ट? 2500 कॉस्ट पड़ता है और इंडिया में काफ़ी महंगा होने की वजह से हम US प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि US में 2500 कॉस्ट पड़ता है, इंडिया में 25,000 to 30,000 तक इसका कॉस्ट जाता है। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन डेस्क लगाया है लेकिन यहाँ पे आपने कोई चार्ज नहीं लिया है किसी से, तो कौन इसको डोनेट कर रहा है? निर्मा कंपनी स्पॉन्सर कर रही है ये ड्राइव्स का। जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी डोनर्स अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, जितना भी इस फैप का जितना भी क्वेश्चन होगा ये निर्मा कंपनी स्पॉन्सर करेगी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। सिंधु यूथ सर्कल वुमेन विंग के ठहे 2 साल पूरा था। उन्हें फाउंडेशन डे जो जलसो मल्हाइण लाइ सिंधु यूथ सर्कल वुमेन विंग एक कार्यक्रम रखियो ए गेम्स पिण ऑर्गेनाइज कयूं। दिसूं था कुछ झलकियों इन कार्यक्रम जो। सिंधु यूथ सर्कल वुमेन विंग जो फाउंडेशन डे आ, इन करे चारों तरफ असा वट सर्कल में खुशियों जो माहौल आ। असा काफ़ी गेम्स वगैरह जी भी अरेंजमेंट कई आ, सजे सर्कल जे सजे परिवार माना सिंधु यूथ सर्कल जा मेंबर्स, असा वुमेन विंग जा मेंबर, स्टूडेंट विंग जा मेंबर सब गजी करे गेम्स वगैरह अरेंज कयूं आहिनि ऐं काफ़ी धूमधाम सां मल्हाए रहिया आहियूं। असां जेको आहे सो तमामु थोरे नंबर सां वुमेन विंग चालू कई हुई। अॼु असां 60 खां वधीक मेंबर आहियूं ऐं मां चाहियां थी जेकॾहिं असांखे सिंधियत खे क़ाइमु रखिणो आहे त ॿियनि बि सिंधी लेडीज़ खे अर्ज़ु आहे त अचो अची कुझु योगदान ॾियो, कंहिं नमूने पंहिंजे सिंधियत जे लाइ कुझु कमु कयो। सर्कल तव्हांखे हर तरह जो साथ ॾींदो, तव्हांखे हर तरह जो प्लेटफॉर्म ॾींदो जंहिंमें जेका एबिलिटी हुजे अकॉर्डिंगली असां तव्हां सां गॾु आहियूं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। अच्छा तो विझूं था एक नजर नगर में थींदड़ कुछ अपराधिक घटनाओं ते। उल्लासनगर पांच भाटिया चौक परिसर में प्रकाश सोनी नामक व्यक्ति के घर में चोरी की घटना सामने आई है। संबंधित व्यक्ति के घर में किसी अज्ञात चोर द्वारा कुल 15,000 रुपए की चोरी कर ली गई है। पूरा मामला हिललाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 380 के तहत अज्ञात चोर की खोज कर रही है। उल्लासनगर 328 सेक्शन परिसर में लीना चांगलानी नामक युवती के साथ ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। संबंधित युवती ने कोटक महिंद्रा बैंक के ऑनलाइन वेबसाइट पे जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद उसके अकाउंट से कुल 8,000 रुपये डिडक्ट किए गए। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 420 के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 2 परिसर में एक साड़ी के शॉप में चोरी की घटना सामने आई है। इस साड़ी के शॉप में किसी अज्ञात चोर द्वारा कुल 25,000 रुपये का साड़ी का माल चुरा लिया गया है। ये पूरा मामला उल्लासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 454, 457 और 380 के तहत आगे की जांच कर रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। ये हुई कुछ ताज़ा तरीन जान असांजे अज जे सिंधी एपिसोड जी। वरी तवां सां मिलंदासीं कुछ नई ए ताज़ा तरीन जान सां तवांजे पंहिंजे प्यारे चैनल कोणार्क अपना शहर अपनी बातें, यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में। तेसि ताईं असांखे इजाज़त ॾींदा, धन्यवादु।